दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सरकार ने सख्तियों को बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए पहले नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब इन पाबंदियों के साथ कुछ अन्य सख्त फैसले लिए गए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA ने दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तरों को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता पर चल रहे थे। आदेश में कहा गया है कि अब छूट प्राप्त श्रेणी के निजी दफ्तर छोड़ बाकी सभी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ रेस्टोरेंट्स से फूड आइटम की होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा रहेगी। दो साल हम सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे हैं, हमने कोई ग्रोथ नहीं करी, कहीं आगे नहीं बढ़े, कुछ नया नहीं करा, कुछ नया लाई नहीं है, कुछ नया खोला नहीं है, तो ये सब चीजें हमारे लॉस है। हमारी जिंदगी के 2 साल खत्म हो चुके हैं और हमने कुछ ज्यादा इसमें हम कर नहीं पाए। प्लस जब आप कोई चीज़ बंद करते हो और उसको दोबारा स्टार्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहती है। सारा स्टाफ इकट्ठा करना, सबको बुलाना, साफ सफाइयाँ कराना, सब चीज़ें बराबर है कि नहीं, पुराने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे जाना, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर चलता रहे सब कुछ तो ठीक है, बट बिल्कुल बंद करके बिल्कुल खोलना वो बहुत टफ टास्क रहता है, वो भी बार बार, हर एक साल में हर एक दो बारी हमें ये करना पड़ रहा है, तो बहुत मुश्किल होती है। इस समय बहुत कैपिटल लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है और बहुत ज़्यादा आपका एफर्ट्स तो लगते ही हैं। इस बीच दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली ने खास तैयारियां की हैं। लोग अब घर पर बैठकर योगा कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि रोजाना 8 क्लास होंगी और इसमें 40,000 लोग एक साथ योग कर सकेंगे। जो लोग कोरोना के पेशेंट्स हैं, होम आइसोलेशन में हैं और लगभग 1,500 से 2,000 बेड्स ही भरे हुए हैं, बाकी सभी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं। जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं उन लोगों के लिए आज हम एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ शायद दुनिया में इस किस्म का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है कि कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में पेशेंट्स के लिए इस किस्म का कार्यक्रम कोई भी सरकार पूरी दुनिया में कर रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। हम जानते हैं कि योग से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, प्राणायाम से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। अगर व्यक्ति योग और प्राणायाम करे तो उसको कोरोना से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कोरोना की काट है या बीमारी से, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना से डील करने में उसकी क्षमता बढ़ती है। आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार को कोरोना की संक्रमण दर बढ़कर 25% तक पहुँच गई। यानी दिल्ली में जांच कराने वाले हर चौथे व्यक्ति की जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जल्द अगर कोरोना पर काबू नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात काफी गंभीर हो सकते हैं।